सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, चोकर होंगे और फिट होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने घर से और इतने दिनों के बाद हो रही है, कोई कम से कम भी कोई 8-10 दिनों के बाद व्लॉग की शुरुआत हो रही है। आप कोई 10-1 दिन के बाद ही व्लॉग देख रहे हो, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, कोई कंफर्म डेट नहीं बता भाई कितने डेज हो गए हैं हमें व्लॉग डाले हुए। आज व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है अपने घर से। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से दरहाल वैली के लिए। कौन कौन जा रहा है, किस लिए जा रहे हैं और क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे वहाँ जाके, आपको मैंने वैसे भी दरहाल के पहले भी टूर करवाए हुए हैं पर ये भी कुछ अलग सा टूर होने वाला है। जिस रोड पे हम पहले गए हुए हैं उस रोड को आज हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आज हम कोई नई लिंक रोड पकड़ेंगे और वहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी बताएंगे अपनी प्यारी दरहाल वैली। सो हाँ जी मामा, क्या हाल है आपके। एकदम ये बैग शैग लेके कहाँ। आज हमारी ब्राइड्स हैं। कहाँ पे है। दरहाल में। दरहाल वाली मम्मा की ब्राइड है गाइस, चेक कर रहे हो। ये देखो भाई आज का हमारा आउटफिट देख रहे हो, क्योंकि वहाँ पे होगी सर्दी को अभी निकल रहे हैं। मम्मा की है ब्राइड, मम्मा को छोड़ेंगे यार ब्राइड करने के लिए, तो हम करेंगे दरहाल को एक्सप्लोर। तो निकलते हैं अब यहाँ से फटाफट से, क्योंकि शोएब भाई आ चुके हैं गाड़ी लेके शिव मंदिर के बाहर, तो वहाँ से बैठते हैं गाड़ी पे फरार। गाइस फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं, तो आ चुके हैं हमारे शोएब भाई। क्या है, ठीक हो। बस बढ़िया, सब बढ़िया। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं दरहाल वैली के लिए। आपने जो पहले व्लॉग भी देखे होंगे ना दरहाल के, उसमें भी चेकआउट कर लेना कौन है हमारे साथ, कौन है शोएब, आप ही हो ना। नहीं, अब हम वापिस से जा रहे हैं आज दरहाल। पापा को तो देखो ठंड लगी हुई है, वो बाहर स्कूटी पे वो चेक कर रहे हो। ये शख्स आ चुके हैं, देखो भाई इनको कितनी ठंड लग रही है सुबह। भाई इतनी ठंड क्यों लग रही है आपको। लहंगा दे के आया हूँ, इतनी ठंड लग रही है। ओ भाई ये देखो आग फूके मार रहे हैं वाकई यार। गाइस ये हमारे रिजौरी का बस स्टैंड है और सुबह के नजारे आप चेकआउट कर रहे हो। ये देखो भाई ये हमारी रिजौरी की मेट्रो है, मेट्रो। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं दरहाली ब्रिज। ये है दरहाली ब्रिज। मुगल रोड की शुरुआत हमारे रिजौरी से भाई इसी ब्रिज से होती है जो भाई यहाँ से ही होके भाई वो मुगल रोड, यहाँ से आप श्रीनगर की तरफ जाते हो, चेक पोस्ट भी आप चेक कर रहे हो, रोड जाती है मुगल रोड की तरफ। हम भी उसी रोड पे जा रहे हैं पर आगे से हमने खाली एक ट्रॉली लेना दरहाल की तरफ, तो बाकी ये रोड पूरी भाई ये सीधा मुगल रोड को होते हुए श्रीनगर जाती है। तो गाइज ये सामने जो रोड जा रही है वो जा रही है मुगल रोड की तरफ, थन्ना मंडी की तरफ, तो हमने यहाँ से ऊपर टर्न ले लेना भाई। ये दरहाल ही मोड़ है भाई, मुगल रोड को हमने कर दिया टाटा बाय बाय। अब हम जा रहे हैं सीधा दरहाल वैली के लिए, तो भाई आगे इतनी प्यारी प्यारी लोकेशन है ना, इतने प्यारे प्यारे व्यू है। गाइस फाइनली वी आर इन दरहाल सिटी, तो भाई ये है दरहाल मार्केट। अभी हम पहुंच चुके हैं दरहाल मार्केट पे, तो यार अभी मम्मी को ड्रॉप करती हैं, उसके बाद मम्मा को भेजते हैं ब्राइड तैयार करने के लिए, तो हम चलेंगे भाई आपको अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर कराने के लिए, देखते हैं क्या रहता है। तो अभी हम फिलहाल हैं दरहाल बस स्टैंड पे, जहाँ पर टेम्पो स्टैंड है, इधर अंदर है टेम्पो स्टैंड। ये देखो भाई यहाँ से जाते हैं टेम्पो रजौरी के लिए, ये सामने सीधा रास्ता जाता है भाई दरहाल आगे थना मंग वगैरह वाली साइड, जो हमने आपको पहले भी एक्सप्लोर करवाई हुई है। सो गाइस फाइनली अभी हम दरहाल से ऊपर हो चुके हैं भाई, इस लोकेशन की नाम नहीं पता मुझे, जहाँ कहाँ पे मम्मा को ड्रॉप करना है भाई। इतनी प्यारी लोकेशन है ना यार, और यहाँ पर चल रहा है रोड का काम, रोड हो रही है वाइट। जिस लोकेशन में हम जा रहे हैं ना, इस लोकेशन में आपको गारंटी से कह सकता हूँ 101% किसी ने भी आज तक व्लॉग नहीं डाला होगा, फर्स्ट व्लॉग आप ही देख रहे होगे इस लोकेशन का। नीचे वाले व्लॉग देखें आपने, अब्दुल्ला वाटरफॉल वगैरह के और भी चौकियाँ शौकियाँ इलाके के, जहाँ हमने पहले व्लॉग नए हुए, पर इस एरिया का मैं गारंटी से 101% कह सकता हूँ कि किसी ने व्लॉग नहीं डाला भाई। भाई आपका पहला व्लॉग बना रहा है इस एरिया का, और इतनी प्यारी लोकेशन आ रही है ना यहाँ से, और यहाँ से अगर आपको मैं दरहाल का व्यू बताऊंगा ना, और इतनी सी दरहाल लग रही है ऊपर से, इतनी छोटी सी दरहाल लग रही है ऊपर से, और भी हमने और ऊपर जा रहे हैं, जहाँ जाएंगे ना लास्ट तक फिर वहाँ से आपको पूरे दरहाल का व्यू बताऊंगा। फाइनली अभी उन्होंने मम्मी को छोड़ दिया यहाँ पे भाई शादी वाले घर पे, जहाँ मम्मा ने ब्राइड तैयार करनी भाई, इतनी ऊपर आके वो घर आया ना, तो भाई अभी हम जा रहे हैं आगे, देखते हैं भाई ये रोड कहाँ लेके जाती है। और हमने कुछ खाने पीने का सामान ले लिया, जो यहाँ पे ना इस रोड पे जो सबसे लास्ट शॉप थी ना, सबसे लास्ट वहाँ से हमने कुछ खाने पीने का चिप्स वगैरह ले लिए, ये पड़े हुए भाई ये देखो सब कुछ ले लिए।
भाई, क्योंकि कुछ खाएंगे पियेंगे इंजॉय करेंगे यार आगे बैठ के कहीं पे शांति से। तो उसके बाद जब अम्मा की कॉल आएगी मैं उनको पिक करके भी निकल जाएंगे। तो भाई अभी यहाँ से ना कसम से जो व्यू आ रहा ना, अभी हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना व्यू बढ़ता जा रहा है यार, इतना प्यारा लग रहा है ना, नेक्स्ट लेवल। तो गाइज यहाँ से दरहाल का व्यू, जितने जितने ऊपर जा रहे हैं उतनी उतनी दरहाल छोटी होती जा रही है। तो भाई ये देखो अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं भाई, रोड चेक कर रहे हो, कोई समझ नहीं आ रही भाई कहाँ कहाँ पे रोडें पहुंची हुई हैं और कहाँ कहाँ पे लोग बसे हुए हैं, ये देखो भाई। सो गाइज यहाँ से पूरा दरहाल वाली कितनी छोटी सी लग रही है भाई, यहाँ पे हो चुकी है रोड एंड। तो हमने गाड़ी यहाँ पे अपनी लगा दी हुई है, ये हमारे शोबिया। और शोबिया जगह है कि नहीं सी प्यारी, बहुत ही प्यारी जगह यार कसम से। इस लोकेशन में ना भाई बर्फ़ भी पड़ती है जब सर्दियों में काफ़ी, अभी तो सर्दी शुरुआत हुई है, आने वाले टाइम जनवरी फरवरी के टाइम यहाँ पे इस इलाके में भाई बर्फ़ भी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा। तो भाई यहाँ से पीछे आप, हाँ देखो भाई यहाँ पे तभी सभी घरों के ऊपर देखो टीन की शेड दिख रहे हैं, ये तभी पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे भाई बर्फ़ पड़ती है। यहाँ से पहाड़ ऊपर बिल्कुल, ये देखो ये यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है ना, इससे ऊपर कोई रोड नहीं है और ये सामने पहाड़ ख़त्म है, बस कितना सा गैप रह गया। और हम कहाँ से आए हैं, हम तो रजौरी से आए हैं भाई, और दरहाल से ऊपर कितनी हाइट पे आ चुके हैं भाई। यहाँ से आप हाइट चेक कर सकते हो पीछे दरहाल की, ये देखो भाई ये देखो कितनी ऊपर आ गए यार। ये अंकल जगह का नाम कौन सा है? आड़ीबन, आड़ीबन इसको बोलते हैं। आड़ीबन, इससे आगे रोड नहीं जाती? नहीं नहीं जाती, आगे नहीं जाती। अंकल यहाँ बर्फ पड़ती है? बर्फ हाँ थोड़ी थोड़ी पड़ती है, उतनी पहले जैसी नहीं पड़ती लेकिन थोड़ी थोड़ी पड़ती है। ये बहुत ही प्यारी लोकेशन है आपकी, आप यहाँ पे रहते हो? नहीं हाँ, मैं थोड़ा इधर रहता हूँ, ये जो अब ये नक्का दिख रहा है इसकी उस साइड। अच्छा, इस पहाड़ी के पीछे? हाँ। यहाँ से पैदल जाते हो? फिर क्या करेंगे सर, उधर रोड ही नहीं कुछ नहीं। अगर इतना पैदल चलते पहाड़ी में थकान वगैरह नहीं होती कुछ? थकान तो होती है, फिर क्या करेंगे, चलना तो पड़ता है। ये अंकल हमें मिल चुके हैं यहाँ पे, तो ये भी बोल रहे हैं पैदल चलना पड़ता है क्योंकि रोड नहीं पहुँचती। अभी काफी जगह है जहाँ पे रोड भी पहुँच रही है आस्ता आस्ता, पर अभी जहाँ पे ये रहते हैं यहाँ पे अभी रोड नहीं पहुँची हुई। तो इनको कितनी देर पैदल जाना पड़ता है? बहुत देर जाना पड़ता है, एक घंटा लगता है कम से कम इधर मेरे घर से। और हमको इतनी प्रॉब्लम पड़ती है कि ये जो हम मकान बनाते हैं ना, हम बजरी लाते हैं, ये सरिया लाते हैं, सीमेंट लाते हैं, उतना ही कैरिज पड़ता है बस स्टैंड से, उतना ही कैरिज यहाँ से यहाँ पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो हमको कोई रोड देता ही नहीं सर, क्या करेंगे। सही बोल रहे भाई, जैसे हमें शहर में होता है कि बजरी वगैरह आती सीधा घर के बाहर गाड़ी उतरती है, कुछ भी है गली में घोड़े चल जाते हैं, और यहाँ पर इनको खुद कैरेज पूरा अपने घोड़े वगैरह खच्चर वगैरह में पूरा लेके जाना पड़ता है सर, वो कैरेज देना पड़ता है, मजदूरी देनी पड़ती है घोड़े वालों को। अच्छा, उतना ही कैरेज गाड़ी वाला लेता है, उतना ही कैरेज घोड़े वाले लेते हैं। अच्छा अच्छा, क्या करेंगे, हमको को देता ही नहीं रोड, क्या करेंगे। तो बिल्कुल यार सही में भी अंकल, जगह आपकी जगह का क्या नाम है जहाँ पे रोड नहीं है? इसको हमारा नेडी डोबा है। नेडी डोबा, नेडी डोबा यहाँ से बोलते थे, यहाँ से ये रोड जो जाएगी हाँ। उधर जाएगी नेडी डोबा में, मालूम है नहीं जाएगी नहीं जाएगी। अभी ये जय नज़ीर साहब है और मेरा भाई है बरकत साहब, तो वो बोलते हैं कोई पता नहीं जाएगी नहीं जाएगी, मालूम नहीं। बिल्कुल अंकल, तो अंकल का भी कहना सही है, अभी इनको भी कोई कंफर्म नहीं है कि रोड जाएगी या नहीं जाएगी। ऐसे भाई बातें तो सब करते हैं कि नहीं। हाँ जी, तो बस यही है कि रोड जानी चाहिए क्योंकि यार दूर दराज में इलाके जैसे अब हम हैं, जो हम रह रहे हैं, जो भी रह रहे हैं, पर जो ये रह रहे हैं ना यार इतनी ऊपर ऊपर, जो इन जिन्होंने हमारी ब्यूटी को बचा के रखा हुआ है, जो इतनी प्यारी प्यारी लोकेशन है जहाँ पे अभी हम आके व्लॉग बना रहे हैं पूरा जा रहे हैं आपको, और ये प्यारी लोकेशन को पूरा सेफ रखना ना इन्हीं के ऊपर है भाई, इन्हीं जो ये सारे ऊपर पहाड़ों में रहते हैं जो इस ब्यूटी की केयर करते हैं। हम शहर में गंदगी फैलाते हैं, पूरा गंद होता है, तो यहाँ पर देखो कितनी साफ सफाई होती है। हमारा थोड़ा हेल्प करो साहब जी, क्योंकि हमारी नेडी डोबा में रोड जानी चाहिए जी जी, क्योंकि हम भी आपके, मैं तो भतीजा लगता हूँ और आपकी बहने हैं, आपके वाल साहब की जगह भी हैं, लेकिन हमको रोड की बहुत दिक्कत है। बिल्कुल, कोई देता ही नहीं है, क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, हमारी दरहाल में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारा कोई वसीला है ही नहीं जी जी, तो क्या करेंगे, लेकिन रोड जानी चाहिए, रोड जानी चाहिए। अंकल ने बिल्कुल सही बोला यार, क्योंकि रोड जानी चाहिए। हाँ। अब जो कैरेज वगैरह मार्केट पे लोग रहते हैं इतना, अब इनको काम काज भी इनका ऊपर ही होता है, इनको इतना काम काज भी नहीं होता है कि जिससे ये मतलब फैमिली का जो गुजारा होता है वो भी अपनी भाई खुद ही फसल वगैरह लगा के खुद ही सब कुछ करके। फसल का भी कुछ नहीं, फसल इस साल में फसल ही नहीं हुआ, फसल अपने हम लोग ने बीजा था, लेकिन ऊपर से ये जिसको बोलते हैं हनास, बर्फबारी हनास, वो गिरी तो सब कुछ को लेना।
अच्छा, तो फिर घर का गुजारा वगैरह कैसे कर लेते हैं? क्या करें, मजदूरी करते हैं, लगते लोग मुंबई जाते हैं। अच्छा, शुक्रिया फिर। ठीक है, ठीक है। तो भाई अंकल ने आपको पूरा ब्रीफ में बताया कि यहाँ से एक घंटा इनको पैदल लगता है आने जाने में। भाई तो यहाँ से आगे रोड तो है नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल एंड पॉइंट पे खड़े हैं। तो यहाँ की भाई ये लोगों की ये परेशानी है। मैं तो यहाँ व्लॉग शूट कर रहा था, अंकल ने पूरी अपनी कहानी आपके साथ शेयर कर ली। तो भाई मेरा भी फ़र्ज बनता है कि भाई जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की भाई ऐसी जो चीज़ परेशानी है वो मैं आपके साथ आपके माध्यम से साझा करूँ। ये वो तो भाई ये देखो जो बच्चे अब देखो ये छोटे बच्चे को ना उठा के ला रहा है, ये देखो अब चल नहीं सकता, ये देखो अब इसको उठा के ला रहा है क्योंकि आगे पूरा पैदल रास्ता, पूरा पैदल। ये देखो छोटे बच्चे को उठा के ला रहा है, ये देखो यार। अब ये भी पीछे पता नहीं कितनी दूर होगी, रोड जाती नहीं है, बच्चों को ना उठा के लाना पड़ता है। ये देखो यार, ये देखो जब चल नहीं सकते उनको उठा के लाना पड़ता है। अंकल कितनी दूर से आए हो? मैं पीछे खारी डोबा से आया। खारी डोबा से कितना टाइम लगा यहाँ आने में? एक घंटा लग गया होगा। एक घंटा? वो भी तेज चलने से। तेज चलने से एक घंटा लगा। तो रोड नहीं जाती वहाँ पे? कहाँ रोड है सर, कहाँ रोड ही नहीं है। अच्छा हाँ जी, अब जाने वाली है, जाने वाली है। तो अभी इसी रोड से कहीं से खाकर आगे जाएगी। अच्छा आगे जाएगी। अगर काम होने लगा शुरू बोरे अंकल यहाँ के, तो अभी हमें तो पता नहीं अभी यहाँ तक पहुँचे थे बोरे, आगे रोड खत्म है। खत्म है ना, इससे आगे रोड खत्म है। रोड यहीं तक है, ऊपर बस यहीं तक है। इससे आगे कितने गाँव में कोई जाकर वहाँ देखे कि रोड में क्या, इसके आगे कोई रोड है या नहीं, घोड़े चलने के लिए रास्ता भी नहीं है सर, कहाँ रोड है आगे। अच्छा अच्छा जी। तो भाई अभी ये सारे यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी एक अंकल बता रहे हैं कि रोड अभी जाने वाली है, पर अभी वो कभी की बात है, बहुत साल हो गए ना, हम बोलते हैं जाएगी कब जाएगी, जाने का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ रोड है। हाँ तो अभी इनका कहना तो यही है कि भाई अभी कोई पता नहीं आगे का कि रोड जाएगी या नहीं जाएगी, पर जहाँ पे अभी हम एंड पॉइंट पे खड़े हैं ना, इससे आगे कोई रोड नहीं जाती। अभी इस जगह का क्या नाम है हड़ीबन है इस जगह का नाम। इससे आगे कोई रोड नहीं जा रही और इससे आगे अभी बोल रहे हैं मैं तेज चल के आया हूँ तो एक घंटा लगा। कहाँ से आए हो आप? मैं पीछे खारी डोबा से एक घंटा तेज चल गए तब पहुंचे हैं। उससे खारी डोबा से आगे भी लोग रहते हैं, उससे आगे गांव का नाम मैं बोल देता हूँ यहाँ, उसके आगे नेड़ी बोलते हैं। नेड़ी? हाँ जी, सूम वाली। उससे आगे पाड़ेठ बोलते हैं, अटड़िया बोलते हैं, इसमें बर्मी वाली है, इसमें ये लोग बसते हैं। इसके आगे कोई रोड नहीं है और सभी लोग इस चीज के ऊपर बोल रहे हैं हमें रोड दो, हमें रोड दो। सब्ज बाग दिखाते हैं, जाएगी आएगी, आज लगाते हैं मशीन, कार लगाते हैं, लेकिन कोई इससे आगे रोड नहीं है, ना ही कोई निकालने को। अच्छा अच्छा, अंकल ने आपको पूरे गांव के नाम भी बता दें, कितने गांव आगे बसे हैं। भाई रोड इससे आगे तो कोई नहीं है। मैं भी भाई अपने इस ब्लॉग के माध्यम से, इसके माध्यम से भाई, तो मैं अपनी गवर्नमेंट से जो भी यहाँ के इंतज़ामिया है उससे गुजारिश करूँगा कि भाई इन लोगों को रोड दी जानी चाहिए। जैसे अभी अंकल आया एक घंटा, जब छोटे छोटे बच्चे होंगे जिनको स्कूल वगैरह, वहाँ पे स्कूल वगैरह भी नहीं होंगे। कौन स्कूल है सर, कौन कोई स्कूल? तो भाई देखो, अगर बच्चों को अगर हम पढ़ाने का सोचते हैं, सब कुछ करने का सोचते हैं, तो भाई ये चीज़ भी तो देखो ना, अभी लोग जब यहाँ शहर की तरफ पढ़ने के लिए आएंगे, पहले वो एक घंटा सुबह चल के आएंगे, फिर आगे रोड भी यहाँ पे भी गाड़ियाँ भी नहीं चलती आगे। कहाँ गाड़ी सर, अब यहाँ से रोड निकाली लेकिन कोई आज भी इसको देखने के लिए, अब यहाँ पे कोई मतलब की देख सकते हैं ना क्या है, कोई यहाँ पे गवर्नमेंट की जो SRTC जो ट्रांसपोर्ट है ना वो भी नहीं यहाँ चलती, जिससे ये लोग अभी एक घंटा ट्रैवल करके आए हैं, वो पैदल चल के आए हैं। अब इससे आगे भी दरहाल कितना टाइम लगेगा अभी आपको? 2 घंटे का सफर। हाँ, अभी दरहाल पैदल जाना क्योंकि यहाँ पे गाड़ी कोई चलती नहीं है। अभी हम तो अपनी प्राइवेट कार लेके आए, अब हर एक के बस में तो प्राइवेट कार नहीं होती, नहीं चल सकती, इसमें चल सकती है, आप चल के आए, ये गरीब लोग हैं, बिल्कुल। तो भाई ये है कि अब बच्चे जो स्कूल, हम बोलते हैं कि स्कूल में बच्चे को पढ़ना चाहिए, ये है वो है, तो आगे हमारा भविष्य बनेगा देश का। भाई ऐसे भविष्य अगर बनना लगा तो फिर भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि नहीं। तो भाई मैं यही गुजारिश करता हूँ कि सबसे यार, तो काफ़ी अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, काफ़ी अच्छी रोडें मिल भी रही हैं, जैसे शक्करमर्ग का प्रोजेक्ट सेंक्शन हो गया जी सर। वो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ से यहाँ की टूरिस्ट मतलब कि ये जगह बहुत ऊंची पहुँच जाएगी जब शक्करमर्ग का प्रोजेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, वो सेंक्शन वगैरह हो गया, कोई अच्छे काम भी हो रहे हैं। पर ये जो रोड शोड का काम है, जो मेन काम है, जिससे लोगों बच्चों के, इनके छोटे छोटे बच्चे होंगे जिन्होंने आगे पढ़ने का सोचा होगा, तो भाई इसको और भी काम होते हैं, इनको शायद अभी कोई काम पड़ गया, कोई बीमार हो जाए भाई एक घंटा पहले, जब तक आजकल तो हार्ट अटैक कुछ हो जाए हाल तक लग जाएंगे, तब तक उसकी डेथ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, देख रहे हो भाई। तो यही है कि भाई होनी चाहिए, ये लोग चार हमें फिर थोड़ी रोड है सर, लेकिन ये चार पाई पर उठाकर बच्चे ले जाते हैं जना हॉस्पिटल में।
जी जी अब आपको पूरा इन लोगों ने बता दिया ना यार, तो हम भी इंतजामिया से यही गुजारिश करेंगे कि भाई इनको रोड होनी चाहिए। तो यहाँ के पूरी जो यहाँ पे जनता है, ये देखो भाई इन्होंने सारों ने अपनी अपनी जो परेशानी है वो बताई है हमें। तो भाई हम यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे तो पूरा बता दी इसी रोड को जिस पर जनाब आए जी, इसी रोड को थोड़ा सा लगाई जेसीपी, अब वो छोड़कर सब पार असेंबली में चली गई। ये 2008 में बनी थी ये रोड उससे बाद किसी ने देखा नहीं कुछ नहीं जनाब। तो इसलिए हमारी रोड के बारे में बहुत लुक छुक पड़नी चाहिए इसको जनाब। बच्चे जाते हैं स्कूल बीमार, ड्रेवरी केस लेडीज जनाब आ रही तरह के बीमार हो जाती हैं सर। ये लोग जनाब जो है ड्रेवरी केस हो जाता है बंदे को उठाकर लेके जाते हैं सर, चारपाई पर उठाकर अस्पताल ले जाते हैं जनाब। ये पहले हम गाड़ी में बैठे हुए यार, अभी आपने पूरी कहानी सुनी है यार यहाँ के लोगों की। मैंने ऊपर आया था, मैंने देखा कि एक जगह एक्सप्लोर की जाए, मैं एक्सप्लोर करने के लिए गया था तो वहाँ पे आपको रियलिटी बताई है भाई, पीछे बैकवर्ड एरियाज में लोग जो रहते हैं उनकी क्या रियलिटी है, क्या वो मांग रखते हैं अपनी सरकार से, सब कुछ मैंने आपके सामने एक रखा है। तो अभी मम्मी भी हमारे आ चुके हैं। और मम्मा क्या हाल है? बढ़िया जी। कर आए रेडी हो गए? आज हम पता कहाँ गए थे? बिल्कुल टॉप पे। मैं भी तो टॉप पे थी, बस हम उससे आगे जहाँ पे रोड एंड हुई है। अच्छा, रोड एंड तक गए थे। अच्छा, लास्ट तक? हाँ। क्या था आगे? आगे ये था कि पुराने जो वहाँ के लोग है ना वो मिल गए थे, तो उन्होंने जो एक अंकल थे पिछले 2 घंटे पैदल चल के आए हैं, 2 घंटे पैदल चल के आए हैं, उन्होंने बताया कि रोड नहीं है हमारे वहाँ पे पूरा। यहाँ पे कसम से आगे 4-5 गांव पड़ते हैं जहाँ पे हम गए थे, उससे आगे 4-5 गांव पड़ते हैं जहाँ पे रोड की कोई भी भाई नामो निशान नहीं है। तो भाई तो अब हम जा रहे हैं वापस घर के तरफ, मम्मा ने रेडी कर दिया भाई, भूख लगी अब जाएंगे घर जाके खाना छाना खाएंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग शूट किया क्योंकि आज निकला था मैं, चलो व्लॉग शूट कर देता हूँ। मैं बेसिकली शॉप में बिजी हूँ यार इतने दिनों से, क्योंकि यार काम भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, व्लॉग्स भी ज़रूरी है। मैं आज कोई 10-12 दिनों के बाद कोई वीडियो डाल रहा हूँ तो ये आप देख ही रहे होंगे। तो अब इस व्लॉग को अपने प्यार दिखाना है, शेयर करना दबा के, जो वो जनता है ना आम जनता भाई जो गांव में रह रही है पीछे दूर दराज इलाकों में, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे आपने शेयर करना दबा के उनकी आवाज़ को, मतलब कि ये जहाँ पे रोड नहीं ना है वहाँ के भाई रोड बननी चाहिए। आप भी चाहोगी जो भी लोग वहाँ पे पीछे रह रहे हैं उनके बच्चे स्कूलों में जाएं, जो हॉस्पिटलाइज होते हैं वो जल्दी से भाई गाड़ियों के ज़रिए हॉस्पिटल पहुँचे, जो ट्रैक करने का ना रहे पीछे 4-5 गाँव हैं भाई, वीडियो को शेयर करो दबा के, तो जो उनका कोई मसला है वो हल हो जाए। तो और क्या ही हो सकता, हम अपनी तरफ से तो कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो भाई बाकी आपने प्यार दिखाना, सब कुछ करना है। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कमेंट शेयर किए बिना मत जाना। ओके बाय, टेक केयर।